एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम खेलने जा रहे हैं कॉन्ट्राबैंड पुलिस। तो इस गेम में हम बन चुके हैं एक पुलिस ऑफिसर। और आप सबको पुलिस की जो जॉब है, उसका जो काम है, वो आपको भली भांति पता है, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अभी ना इस पुलिस ऑफिसर के साथ में हम कहीं तो जा रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये हमें लेके जा रहा है। ये हमसे कुछ कह भी रहा है, बैटर वोट का क्रेडिट डेट यू वॉन्ट सर्वाइव इवन अ वीक इन दिस शेबी होल, बट द कमिश्नर बिलीव्स इन यू समहाउ। ऐसी बात है भाई, वहाँ के जो बंदे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम इस जगह पे ना, जहाँ पे हम जाने वाले हैं, तो वहाँ पे हम एक हफ्ता भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ का जो कमिश्नर है उसने हम पे विश्वास करा है, उसने कहा है कि ये तुम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर उसने इतना विश्वास हम पे जताया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके विश्वास पे खड़े उतरें। और अभी हम आ चुके हैं उसी जगह पे, नाउ रिपोर्ट टू द कमिश्नर, गुड लक। ठीक है भाई, अभी हमें जाना है कमिश्नर के पास में, जाके अपनी रिपोर्टिंग देनी है उसको, और उसके बाद देखते हैं कि वो हमें क्या करने को कहता है। हम आ चुके हैं अपनी जगह पे, बॉर्डर पोस्ट पे, और ये है चैप्टर वन ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा हम ट्रेनिंग लेने आए हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, अभी इसका मतलब हम काम पे नहीं है, अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद हमें अपनी ड्यूटी पे भेजा जाएगा, लेकिन हमें अपनी ट्रेनिंग सबसे पहले अच्छे से करनी है। ठीक है, ताकि जो कमिश्नर है वो हमसे खुश हो जाए और हमें इस ट्रेनिंग में पास कर दे, और उसके बाद हमारे जो जॉब है वो हमें दे दे। तो पहले सबसे पहले ना मुझे जाना है इस वाले ऑफिस में, और यहाँ से जो अपना ड्यूटी फोल्डर है मुझे वो उठाना है। ठीक है, अपना ड्यूटी फोल्डर अपने पास आ चुके हैं, और अब करना है हमें ना ओपन द फोल्डर एंड चेक योर ड्यूटी हैंडबुक। ठीक है, सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन करते हैं, और उसके बाद ये अपनी ड्यूटी हैंडबुक, इसमें हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, पेपर चेक, नेम एंड सरनेम, एक्सपायरी डेट है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, और उसके बाद है फोटो। तो जब हम किसी बंदे के पेपर चेक करेंगे ना, तो हमें ये जो चार चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है, ये चार चीज़ें हमें अच्छे से चेक करनी पड़ेगी। ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड, पुल द लीवर टू द इनवाइट टू इनवाइट द फर्स्ट ड्राइवर फॉर द बॉर्डर कंट्रोल। ठीक है भाई, सबसे पहले जो लीवर है ना, इसको मुझे करना है पुल, और जो अपना पहला ड्राइवर है वो आ चुका है, तो इससे हमें इसके जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो देखने हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू एंटर क्रिस्टियन आस्क हिम टू शो योर द पेपर्स। ठीक है, इसके पेपर्स हम ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स ये रहे इसके, और अब हमें इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई, ये रहा इसका पासपोर्ट, और पहले इसका जो नाम है हमें वो चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका नाम है, ये नाम ही अजीब से पढ़ा भी नहीं जा रहा भाई, येवसाई क्रावाशेंको। ठीक है, क्या नाम मैच कर गया क्या? कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फुल परसेप्शन लेवल, लो परसेप्शन, मैच हो गया ये तो। और उसके बाद ये है इसका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर भी आई थिंक मैच हो रहा है। ठीक है, पासपोर्ट नंबर भी मैच हो रहा है इसका इन दिस रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया भाई, बाकी सब कुछ ठीक है ना। इसका 17 अप्रैल 1981, और आज है 16 अप्रैल 1981। ठीक है, इसका मतलब कल तक की इसकी डेट हैगी यार। ठीक है, तो ये सब कुछ ठीक है इसका, इस पर सब पे टिक लगा देते, नहीं ये क्रॉस लग रहा है क्या? टिक लगाना यार, क्रॉस क्यों लग रहा है ये सब कुछ तो ठीक है इसका, मैंने कुछ गलत करा क्या? मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक ही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इसको बोलते हैं कि भाई तेरा काम हो चुका है, अब तू यहाँ से जा सकता है। नाउ मेक अ डिसीजन, शुड यू लेट हिम, हाँ भेज देते हैं भाई, बिल्कुल सही है, बंदा सही है, इसको हमने पकड़ना नहीं है, अप्रूव कर देते हैं इसको। चलो भैया जाओ, तुम बहुत अच्छे नागरिक हो भाई, ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्स लेकर घूमा करो, ठीक है, नहीं तो पकड़े जाओगे, पैसे देने पड़ेंगे। चलो भाई, ये तो अपना जो पहला बंदा था वो यहाँ से जा चुका है, हमने बिल्कुल सही काम करा है। इनवैलिड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, अबे भाई मैंने गलत करा, एक सेकंड, मैंने गलत करा क्या? गलत करा, मैंने सब कुछ तो ठीक था उसका यार। डेट्स इज नॉट गुड गुड कॉल, न्यूज़पेपर पढ़ा, यहाँ पे न्यूज़पेपर को उठाते हैं। द वॉइस ऑफ एक्रेसिस्टन, थर्सडे 16 अप्रैल 1981। भाई क्या चीज़, मैंने गलत कर दी क्या यार? सब कुछ तो ठीक था भाई, मैंने क्या गलत करा पता नहीं। चलो दूसरे बंदे को बुलाते हैं भाई, इसको देखते हैं कि हमने उसमें क्या गलती करी थी। एक बार इसका भी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं वो देखता हूँ। आज भाई आ जाओ, क्या बात है, बहुत बड़ी कार लेके घूम रहे भाई तुम तो। ले आओ भाई फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ। हाँ, न्यू कमर, एक काम करते हैं, इसके ये क्या, एंट्री परमिट डॉक्यूमेंट। ओके ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका जो डॉक्यूमेंट है ना वो देखते हैं। ये रहा इसका नाम, ठीक है, क्या नाम है यार इसको, नाम भी समझ, मिसमैच कैसे, नाम तो सही, अच्छा LAIWE, और यहाँ पे देखो LAINE है। हाँ हाँ बेटे भाई, नकली पासवर्ड लेके घूम रहे हो, एक काम करते हैं। और उसके बाद इसको बोलते हैं, इंस्पेक्शन इज फिनिश्ड, डेट्स ऑल एंड डिनाइड, तू नहीं जा सकता भाई, तू जा ही नहीं सकता, तेरा नाम ही गलत है, नाम ही गलत लेके घूम रहा है। जस्ट नॉट,
बाहर निकलियो तो बाहर निकल, शीशा नीचे कर बाहर निकल, अबे बाहर निकल, दरवाजा बंद कर ले रहा भाई, पिटाई कर दूंगा अभी इसकी मैं। हाँ वापस चल जाओ यहाँ से, ये तो काम हमने सही करा ना, मैं पिछली बार $100 कट गए मेरे, ये तो काम मैंने शायद से ठीक करा। हाँ बिल्कुल सर भाई, क्यों गलत कैसे हो गया ये तो मैंने ठीक कर था, उसका नाम ही गलत था भाई। अरे ये गलत कर रहे हो भाई यार तुम, -$200 हो गए, बहुत सही। चलो भाई इस गंजे का देख लेते हैं इसका क्या सीन है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो निकाल दो, मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा यार, सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ मैं, फिर पता नहीं क्यों पैसे काट ले रहे मेरे। देखो इसका नाम ये है टूली बेराग, नाम ही नहीं लेना इसका नाम, बस मैच हो गया ठीक है, इसका नाम तो मैच हो चुका है। इसका जो पासपोर्ट नंबर है वो भी ठीक है क्या, पासपोर्ट नंबर भी ठीक है। इसकी जो वैलिड वैलिडेशन क्या है ये, वैलिड टू 21 अगस्त 1981, और यहाँ पे देखो डेट ऑफ एक्सपायरी है ये 25 मई 1981, आज है 16 अप्रैल। एक मिनट भाई, ये तो मैच नहीं कर रहा इसका, ये 21 अगस्त 1981 और वहाँ पे देखो 25 मई 1981, भाई इसका मतलब ये गलत बंदा है। एक मिनट रुको, मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस पर सब पे कांटे लगा देते हैं, इसके फ़ोटो तो चलो है इसकी, फ़ोटो तो रहने देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको हम बोलते हैं भाई तू वापस नहीं जा सकता, ठीक है, देखते हैं कि ये हमने काम सही करा या फिर नहीं, इसको डिनाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी हम बोलते हैं वापस घूम के जाओ, नो नहीं यस, ये यस है, तुम वापस घूम के जाओ, ये तो जो थोड़े बहुत बाल दिख रहे हैं ना वो भी नहीं रहेंगे सर पे, चलो घूम जाओ फटाफट। आ जाओ भाई, अगला कौन है, एक बंदा और है ना, चलो भैया इसको भी बोलते हैं आने को अंदर। ये काम हमने सही करा ना, दोस्त ये भी गलत करा मैंने भाई, मैं गलत क्या कर रहा हूँ यार, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, ट्रेनिंग करना है ऐसे मैं फेल हो जाऊँगा इस बंदे का, देखते हैं यार मैं गलत कर रहा हूँ यार, पता नहीं कैसे, रुको। हाँ ज़रूरी है भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका देखते हैं, करीम मौलफ, ठीक है, तो इसका नाम तो मैच हो गया, ठीक है नाम इसका सही है। उसके बाद जो इसका ये है ना वैल्यू टू 14 अगस्त, यार ये वाला अलग है, एंट्री परमिट और वो पासपोर्ट इनका अलग अलग सीन है। 31 अक्टूबर 1980 भाई, अभी तो 1981 चल रहा है, गलत पासपोर्ट है इसके पास तो भाई, इसके पास गलत पासपोर्ट है, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं वापस नहीं जाने देने वाला। अच्छा देखो तो ऊपर वो आई का भाई निशान भी आ जा रहा है, तो ना उसका भी कुछ सीन है, मैंने पढ़ा नहीं था ना पहले, तो आई थिंक ये गलत बंदा है, ठीक है। इसके पास जो इसका पासपोर्ट है ना वो फेक है, पासपोर्ट नंबर तो देखो पासपोर्ट नंबर भी मिसमैच है भाई, वाह भाई वाह बहुत बढ़िया। देखो मुझे चार चीज़ें चेक करनी थी ना, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने चेक कर लिया, अब मैं इसको बोलने वाला हूँ कि यहाँ से ये वापस घूम के जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ से वापस घूम के जाए। यार ये कांटे इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है, रहने देता है, पासपोर्ट नंबर पे रहने देता हूँ मैं, ठीक है, बाकी सब सही है। अच्छा जिस पे गलत है ना उस पे क्रॉस हो जा रहा है, ठीक है, मैं भी क्या भाई बेवकूफ़ों वाले काम कर रहा हूँ, इसको डिनाइड कर देते हैं बस। यार ये काम मैंने बिल्कुल सही करा भाई, ठीक है, आप मेरे पैसे ना काटना यार, वैसे ही भाई -$300 हो गया अपने, बताओ खाया पिया कुछ नहीं भाई, गिलास थोड़ा भरा आना, ये तो काम मेरा ठीक होना चाहिए प्लीज़, सही था क्या? हाँ ये ठीक था, ये ठीक था, बहुत बढ़िया, $60 वाह, -100 कर रहे हो और दे सिर्फ 60 रहे हो। चलो गो टू योर अपार्टमेंट फॉर अ रेस्ट, अच्छा जाके मैं रेस्ट करना है भाई, करा ही क्या आज हमने, आज तो हमने कुछ करा ही नहीं, फिर भी हमें रेस्ट दिया जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये अपना अपार्टमेंट है, ठीक है, छोटा सा, इसको बंद कर देते हैं, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, और अभी हमें जाके सोना है, ठीक है, फटाफट से अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, कल का जो काम है वो हम बाद में करेंगे, स्लीप ठीक है समझ गए हम, जहाँ अच्छे से सोएंगे तो हमें थोड़ा सा हमारे अंदर स्टैमिना रहेगा। लेकिन यार वो जो तीन बंदे मैंने गलत करे ना भाई, उसके पैसे कट गए मेरे, एक ही हमने करेक्ट करा, बाकी 375 ये और इनकरेक्ट चेक -300, ठीक है भाई, अगली बार से ध्यान रखेंगे, कुछ ना कुछ मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगली बार से ना मैं अच्छे से जो डॉक्यूमेंट्स ना उनको चेक करने वाला हूँ। ओके चलो अपना जो डे टू है वो स्टार्ट हो चुका है। हेलो कौर कॉमरेड, माई नेम इज़ यूरी पेट्रोव, आई एम द डिप्टी कमिश्नर एंड आई विल लीड योर सेकेंड डे ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है भाई, ये आज का अपना दूसरा कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है ये, तो आज हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। वी हैव रिसेंटली ऑब्जर्व द, अच्छा ठीक है, इंटरनेट सर्विस ऑलरेडी डूइंग दिस प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन द रेगुलर बेसिस, फर्स्ट लुक एट द इन्फॉर्मेशन बोर्ड, ठीक है, तो ये है इन्फॉर्मेशन बोर्ड, इस पे ये है देखो स्मगलर्स भी घूम रहे हैं ना आजकल यहाँ पे, तो उनका हमें देखना। वी सस्पेक्ट दैट अ ड्राइवर हु डिड नॉट स्टॉप फॉर इंस्पेक्शन यस्टरडे, अच्छा ऐसी बात है,
इसका जो नंबर है OJB, और उसके बाद ये स्मगलर 2 है, वन ओवर इन्फॉर्मेशन इन साइड ऑपरेटर्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ड्राइवर्स एज 43। अच्छा इसका जो वो नंबर है ना OJB 3, और वो जो ड्राइवर की एज है उसकी, दूसरे वाले की, उसकी 43 है, तो जब डॉक्यूमेंट्स में चेक करूँगा ना तब मैं देखने वाला हूँ। चलो अपना पहला जो बंदा है ये आ चुका है, तो एक बार इसके गड्डी का नंबर चेक कर लेते हैं, क्या था OJB, एक मिनट, यही है भाई, यही है वो कहाँ है, वो बोर्ड कहाँ है, एक सेकंड, अभी बोर्ड कहाँ गया, वो कहाँ था, अच्छा यहाँ पे था, OJB था ना, यही है भाई साहब, ये तो वही बंदा है। लुक्स लाइक वी हैव आवर सस्पेक्ट हियर, मेक हिम लीव द व्हीकल, ठीक है बाहर निकल, तू बाहर निकल, ओके अब क्या करना है मुझे, स्मगलर्स मार्क कॉन्ट्रैबैंड हाइडिंग प्लेसेस विद ए स्नेक मार्क, अच्छा ठीक है स्नेक मार्क आ जाएगा अगर कुछ ने उसने गलत छुपाया होगा, ओके तो वो ऐसे नहीं दिखेगा हमें, उसके लिए जो यूवी लाइट्स है ना तो वो उसकी मदद से हमें देखना पड़ेगा। तो अपनी जो फ्लैश लाइट है मैंने वो निकाल ली है, और देखो इस पे स्नेक का साइन आ रहा है, और ये कॉन्ट्रैबैंड हाइडिंग स्पॉट्स, टायर, हेडलाइनर, फेंडर, फ्यूल टैंक, बम्पर और एयर फिल्टर, तो यहाँ पे सामान छुपा के रखते हैं, लेकिन इसने तो भाई सीट के नीचे छुपा रखा है ये देखो इस वाली सीट में। तो अब ना मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है पिकअप द नाइफ फ्रॉम द टेबल, ठीक है मुझे चाकू लेके आना पड़ेगा, तो ये पड़ा अपना चाकू, तो इसको लेके चलते हैं, और इसकी मदद से ना हमें जो सीट है ना उसको काटना है, ठीक है तो ये जो सीट है ना इसको काटते हैं भाई, देखते हैं कि आखिरकार इसने छुपा के क्या रख रखा है इसके अंदर, भाई ये कुछ तो है पैकेट में, क्या ये, गुड जॉब यू फाइंड योर फर्स्ट कॉन्ट्राबैंड, कोकेन, भाई कोकेन छुपा के रखा था इसने, क्या बात है भाई, बड़ा ही तेज था ये तो। एक मिनट, सीट के नीचे छुपा के लेके जा रहा है, कोई नहीं बेटे तेरी पिटाई करता हूँ अभी मैं, लेट्स चेक अंडर द हुड, ओके ठीक है इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी कुछ है क्या, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कोकेन है भाई, इसमें भी छुपा के रखा था, दिस इज प्रोबेबली, ठीक है हो गया, और रिमेंबर स्मगलर्स कैन बी वेरी इन्वेंटिव, ओके भाई वो कहीं भी सेम है, कहीं भी छुपा के रख सकते हैं वो, तो अब हमें क्या करना है, फॉर सिंपल इंस्पेक्शन मटेरियल्स यू कैन अरेस्ट द डेड बास्टर्ड नाउ, ओके ठीक है भाई, इसको हम अब कर लेते हैं अरेस्ट, चल भाई तेरे, तो तू यहाँ पे है स्मगलिंग का सामान लेके जाता है एंड ड्रग्स वगैरह लेके घूम रहा है, इसको लेके चलते हैं कस्टडी रूम, ठीक है मैं आ चुके हैं कस्टडी रूम में, जहाँ पे हम इनकी थोड़ी सी खातिरदारी करेंगे, फिलहाल तो अभी ये अकेला है, लेकिन कोई नहीं हम इसके जैसे इसके जो भाई बंधु हैं उनको भी पकड़ेंगे, ये तो अकेला है ना, इसके और भी साथी होंगे भाई, तो उनको भी हमें पकड़ना है। दिस इज योर वेयर हाउस, यू विल स्टोर इंटरसेप्टेड कॉन्ट्राबैंड टूल्स, योर वेपन अंडरस्टैंड, ठीक है, इसमें जो अपना सामान वगैरह है वो स्टोर करके रख सकता हूँ, तो ये है चेक स्टोरेज, अच्छा ठीक है, तो ये देखो ये इन्वेंट्री खुल चुकी है ना, अच्छा कार के इसमें भी रख सकता हूँ मैं, तो देखो ये हमें कोकेन मिला है, तो ये जितना भी कोकेन है ना ये सारा मैं काम करता हूँ, इस वाले जो स्टोरेज है ना अपना, जो स्टोर रूम है, वेयर हाउस है, मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है इसको भी डाल देते हैं, ये वाले भी डालते हैं अपने पास, थोड़ी रखेंगे, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है चाकू तो अपने पास होना चाहिए, बाकी इसको बंद करते हैं, और नाउ गो टू आस्क मैन मैकी सोमोव, क्या यार नाम भी अजीब है यार, टू गेट रिड ऑफ रिमेनिंग व्हीकल, अच्छा ठीक है ये जो व्हीकल है ना उसको यहाँ से साइड हटाए ताकि और बंदे आ सके, भाई आराम से बैठ रखा, क्या बात है भाई, काम धंधा कुछ है नहीं तुम्हें, जाके फटाफट साफ सफाई करो, जल्दी जल्दी जाओ, वो जो कार वहाँ पे खड़ी ना उसको हटाओ वहाँ से, ताकि और बंदे भी आ पाए वहाँ पे, ठीक है हो गया, चलो भाई हो गया, और अपने को $100 मिल गए भाई, बहुत बढ़िया यार, चलो सही है, बहुत अच्छा, हमें $100 मिल चुके हैं, और अब एक काम करते हैं, वहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स पड़े हैं जिनको हमने उठाना है, तो यहाँ पे पड़ी है एक एक्स पड़ी है, एक क्रोबर पड़ा है, और कुछ तो नहीं पड़ा ना, एक मिनट और कुछ पड़ा है यहाँ पे, ये क्या है, पिच फॉक, ठीक है इसको भी उठा लेते हैं, विद दिस नॉलेज यू कैन रिटर्न टू फर्दर व्हीकल इंस्पेक्शन, ठीक है भाई अब एक काम करते हैं, अगले बंदे को बुलाते हैं, ठीक है देखते हैं कि अगले बंदे ने क्या छुपा के रखा है, भाई आप हमें टायर्स वगैरह भी चेक कर रहे हैं ना, तो सारा अच्छे से चेक करेंगे, हमने तो अपने पैसे कटेंगे, अभी तो $100 अपने पास है ना, ये भी काट लेंगे, हाँ भैया बाहर आ जाओ, सबसे पहले इनको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है इनको बाहर निकालते हैं, उसके बाद इनकी पहले गाड़ी चेक करेंगे, फिर उसके बाद इनके जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो चेक करेंगे, चलो आप बाहर खड़े हो जाओ आके, मैं एक काम करता हूँ आपकी जो गाड़ी है ना इसको चेक, इसमें तो आगे का वो बम्पर होगा ही नहीं, मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सीटों में, ठीक है सीट के नीचे तो नहीं है ना, नहीं जहाँ पे स्नेक का साइन आएगा ना इसका मतलब वहीं पे इन्होंने कुछ ना कुछ छुपा के रखा है इसके अंदर, नहीं इसके अंदर भी नहीं है भाई, ये बिल्कुल खाली है, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे भी इस वाले सीट के नीचे भी कुछ नहीं है, अब एक काम करा जाए इस वाले, अब इसको खोल, एक मिनट यहाँ से पीछे से खोलते हैं, यहाँ से खोलते हैं, इसमें देखते हैं कुछ छुपा रखा है इसने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इधर एक गेट, अच्छा बाहर निकलने के लिए है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार बिल्कुल, ये तो सही लग रहा है मुझे, कहीं भी वो स्नेक का साइन आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये बंदा ठीक है, एक काम करूँ मैं एक बार इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो भी चेक कर लेता हूँ भाई,
इसके टोकन आई नीड इट बैक, वापस दे देंगे रखने के लिए, थोड़ी मांग रहा भाई, वापस ही दूंगा मैं इसको। चेक करते हैं इसका जो नाम है, सबसे पहले ये देखते हैं कि नाम मैच कर रहा है या फिर नहीं। फरा यावूज मैच हो गया नाम इसका, ठीक है। उसके बाद जो इसका पासपोर्ट नंबर है वो भी मैच कर लेते हैं, पासपोर्ट नंबर भी हो गया मैच। मिस मैच एक मिनट, ये मिसमैच हो रहा है, GX95 है वहाँ पे, RX95 है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे देखो डेट ऑफ एक्सपायरी भी इसकी 1980 की है और अभी चल रहा 1981। भाई ये बंदा गलत है, इसका मतलब मुझे इसको ना वापस भेज देना चाहिए, ठीक है। इसको आगे जाने नहीं देना, हमें चार चीज़ें चेक करनी पड़ती, और कुछ तो नहीं करना पड़ता ना हमें। कंट्रीज एक्सप्लोरेशन, ठीक है भाई, हमने बिल्कुल सही करा। एक बार मैं ना इसमें देख लेता हूँ, इस वाले में एक्सपायरी डेट का सीन क्या है, मैं सही कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी डेट ऑफ ये है 10 अक्टूबर 1980, तो यहाँ पे गलत है, अभी 1981 चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं बोलता हूँ वापस जाए, ठीक है। देखो पासपोर्ट नंबर मिसमैच है ना, तो उस पर क्रॉस आ गया, तो अब मैं इसको वापस भेजने वाला हूँ यहाँ से ना। सबसे पहले बोलते हैं इसको, भाई तुम्हारी ये ख़त्म हो चुकी है, और अब एक काम करो, तुम अपनी गाड़ी लेके वापस चल जाओ। बेशक तुम्हारी गाड़ी में कुछ था नहीं, लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है पासवर्ड। और मेकिंग भाग जाए, बेटा चाकू दूँ अभी, नहीं माजी मत भाई, गलती से मैंने मार दिया इसको। चलो इसको वापस भेजते हैं, ठीक है। जो अपना अगला बंदा है उसको आने देते हैं, फटाफट निकल जाए भाई गड्डी लेके। ये मैंने काम ठीक करा ना, ये वाला भी लीवर को मैं फ्लिक कर देता हूँ, ठीक है। देखते कि हमने इस वाले बंदे की चेकिंग ढंग से करी है या फिर नहीं, अगर ढंग से करी होगी तो अपने को पैसे मिल जाएंगे, $100 हैं अपने पास, तो देखते हैं कि इसमें प्लस होते हैं या फिर नहीं, ठीक है। हो गया भाई, देखो बिल्कुल सही, हमने बिल्कुल सही कर रहा था। और इस बंदे ने देखो भाई टायर के अंदर छुपा के रखा है कुछ ना कुछ, मैंने पकड़ लिया भाई इसको। और अभी जिसका जो टायर है ना, पहले मैं इसको फाड़ने वाला हूँ। भाई वो पीछे से हमें बोली चार, लेकिन कोई नहीं, उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फट क्यों नहीं रहा, फट जाना भाई, क्या छुपा रखा है इसने, इससे फाड़ते हैं। निकल जा, क्या इसमें है, क्या इधर मारता हूँ ना मैं भाई, फट रहा है, ठीक है। एल्कोहल भाई, इसके अंदर एल्कोहल छुपा रखा था इसने। यस यस, आई हैव सम ऑफ दिस एंड दैट, टेक दिस मनी एंड लेट मी गो। रिश्वत देता है जमाला, अभी इसको बताता हूँ मैं। इस वाले टायर में कुछ तो नहीं है ना, नहीं इस वाले टायर में कुछ भी नहीं है, बाकी इस वाले टायर में भी कुछ भी नहीं है, ये भी ठीक है। ये वाला टायर चेक करते हैं, इसमें भी ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, ओके इसमें भी कुछ नहीं है। बाकी मैंने कार तो इसकी चेक कर लिया, पैसे देगा बेटे तेरे को, मैं बिल्कुल हड़े दूंगा मुँह पे। फटाफट डॉक्यूमेंट भी ले गए, एक बार डॉक्यूमेंट भी चेक करते हैं इसके, कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो ठीक है या फिर नहीं। वैसे इसको तो जेल में तो भेजनी है वैसे भी हमने, तो इसका जो नाम है वो तो मैच है, बाकी इसका जो पासपोर्ट नंबर है ये भी मैच कर चुका है, ठीक है। इसकी जो वैलिडेशन है वो भी ठीक है, ठीक है, हाँ वैलिडेशन डेट भी ठीक है इसकी, लेकिन भेजना तो उसको जेल में ही है हमने, इसको अरेस्ट कर लेते हैं। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, तू जेल में चल, तेरी तो रेड में अपनाता हूँ, तू चल जेल में। यहाँ पे चलो दोनों इसके साथ ही आ चुके हैं, दोनों को हमने इसी में बंद करके रखा है, बस हमें ये देखना कहीं से भागने भूगने की प्लानिंग ना करें, कहीं भाई छेद छूत तो नहीं है यहाँ पे, कहीं खड्डा खुड्डा करके भाग जाए यहाँ से, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ, और उसके बाद एक काम करते हैं अभी। सो मैनी कॉप प्रोबेबली हैविंग अ फन विद द, अभी मुझे इस बंदे को वापस से बोलना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये कार है ना इसको यहाँ से हटाए, ताकि जो और बंदे हैं ठीक है हम उनको भी बुला सकें। ओके, इसने कार कूर तो यहाँ से बिल्कुल साफ कर दिया, और अपने पास $320 हो चुके हैं, बहुत सही भाई। ये क्या डेट्स फॉर ऑल टू, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, और अब हमें जाके वापस से रेस्ट करना है, ठीक है, और जो बाकी का काम है वो हम करेंगे कल। तो अपनी ट्रेनिंग का तीसरा दिन शुरू हो चुका है, और आज हमें जो अपना कमिश्नर है वो कह रहा है कि जो हमने प्रिजनर्स को पकड़ के रखा है ना, दो मुजरिम हमने पकड़े थे, तो उन दोनों को आज हमें यहाँ से लेके जाना है, ठीक है। उनको कहीं लेके जाएंगे, और उसके बाद एक स्टोर पर हमने जाना है, व्लाड स्टोर पर, और वहाँ से कुछ हमने टूल्स खरीदने। तो सबसे पहले हमें क्या करना, फर्स्ट लेट्स डील विद आवर नॉटी बॉयज, ठीक है भाई। वो जो हमने बंदे रख रखे हैं ना अपने कस्टडी रूम में, तो उनको सबसे वहां से निकालते हैं और उनको वैन में डालते हैं, और उनको हम यहां से कहीं लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो अपना कस्टडी रूम है ये वाला, इसको खोलते हैं, और देखो ये अपने दो मुजरिम, इनको यहां से निकालते हैं। चलो इनको हम यहां से भेज देते हैं ट्रांसफर टू पुलिस कार, ठीक। ओए भाई साहब गायब हो गए भाई साहब, चलो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं गायब, और ये जा चुके हैं अपने जो पुलिस की कार है ना उसमें जा चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अप्रोच टू द पुलिस व्हीकल एंड ओपन द ट्रंक, देन यूज नोटबुक टू इंस्पेक्ट लगेज कंपार्टमेंट, ओके। तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा जो अपनी वैन है ना ये रही, तो ये अपनी वैन है। मूव कॉन्ट्रोबैंड डायरेक्टली फ्रॉम योर इन्वेंट्री और ट्रांसफर सिलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द वेयर हाउस, ठीक है। देखो अपनी जो ये वाली कार ना वैन है, कार नहीं है वैन है, तो हमें इसको लेके जाना है,
और इनको पता नहीं हमें कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा शायद से किसी और जेल में, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, सबसे पहले मुझे वो करना था ना, वो सामान वगैरह उसमें डालना है, तो इसको सबसे पहले खोलते हैं। देखो ये अपना वैन है ना, तो इसमें हम जो अपना सामान है वो रख सकते हैं। तो अपने पास क्या पड़ा, अपने पास में ये अल्कोहल पड़ा ना, तो इसको मैं डाल देता हूँ इस व्हीकल के अंदर। ठीक है, इसको हमने इसके अंदर रख दिया। और अब एक काम करा जाए, इसको कर देते हैं हम बंद, टू गो इंटर द व्हीकल। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम जा सकते हैं यहाँ से इनको लेके। ठीक है, अपनी जो गाड़ी है इसको चलाते हैं फटाफट। और हमें जाना है लेबर कैंप, तो लेबर है कैंप है कहाँ पे? ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा दूर है, बट चलो कोई नहीं। अभी इसको तो हाथ में रख, हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो अपना इंजन है उसको पहले करते हैं स्टार्ट। और ये जो अपने साथ जो दो लड़के हैं, इनको यहाँ से लेके जाने वाले हैं। ठीक है, इनको लेबर कैंप लेके जाएंगे। अच्छा भाई, इनको हम वो करवाने वाले हैं, इनसे मजदूरी करवाएंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार मैं काम करूँ तो मैप में देखो, हमें यहाँ से दूर पड़ेगा, वहाँ से दूर पड़ेगा। यहाँ से ना हम टर्न ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से राइट ले लेते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा पास पड़ेगा ना, तो वहाँ से मुझे घूम के जाना पड़ेगा भाई, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर। ओबे, ठोकना नहीं है किसी को, ठीक है, किसी को ठोकना नहीं है। यहाँ से फटाफट चलते हैं इनको लेके लेबर कैंप में, और यहाँ से हमें सीधा जाते रहना। ठीक है, जो ये वाला रास्ता है ना वाइट वाला, हमें यहीं पर जाते रहना, इसके सीधा जाते रहना, तो अपना जो लेबर कैंप है वो आ जाएगा। लेकिन भाई आगे तो रास्ता बंद हो रखा है, यहाँ पे पेड़ गिर रखा है, ये क्या लुक्स लेट्रॉम। अच्छा, यहाँ पे वो भाई तूफान आया होगा ना, जिसकी वजह से ये जो पेड़ है ना वो गिर चुका है। तो हमें अपनी एक्स की मदद से ये जो पेड़ है ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको काटना पड़ेगा। एक्स तो एक्स में बस पड़ी है, ये देखो मैं बस पड़ी है भाई, तो इसकी मदद से ना ये जो पेड़ है इसको काट के यहाँ से साइड हटाते हैं। हटा भाई, यहाँ पे रास्ते में नहीं आना बीच में। ठीक है, जो पेड़ है हमने वो काट दिया है। वेल डन, नाउ गेट बैक टू योर कार, टू द कार वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। यार अभी तो काफ़ी दूर है हम भाई, ये दोनों बैठे ना, ठीक है, दोनों बैठ रखे आराम से। इनको भाई थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता ये भाई पीछे से कूद के भाग जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इन पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से जो अपनी वैन है उसको हम निकालते हैं। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है भाई, इतनी भी ज़्यादा दूर नहीं, हम लगभग पहुँच ही चुके हैं। तो इन मुजरिमों का लेके मैं आ चुका हूँ लेबर कैंप में। यही है अपना लेबर कैंप, यहाँ से अपनी जो वैन है वो हमें अंदर लेके जानी है। ठीक है, फटाफट से लेके चलते हैं भाई। ये तो चट्टानों के बीच में बना रखा है, यहाँ से क्या पत्थर पुत्थर तोड़वाते गए इनसे, माइनिंग मुइनिंग करवाते मुझे लग रहा है ऐसा। यहाँ से एक गेट और है, तो हमें इसको इसके अंदर लेके जाना है। ठीक है, हम पहुँच चुके हैं। ओके, दिस इज द प्लेस, स्टॉप नेक्स्ट टू द गेट एंड गिव ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट ऑल प्रिजनर्स। ठीक है, हमें जो जो ऑफिसर खड़ रखा है ना, इसको बोलना है कि जितने भी ऑफिस प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ से निकाले। ठीक है, मैं फटाफट से इसको बोल देता हूँ, ट्रांसफर ऑल प्रिजनर्स। परफेक्ट, वी ऑलवेज नीड न्यू हैंड्स टू वर्क। ठीक है भाई, ले जो जितना मर्जी तुमने वर्कर चाहिए, ले जो सारे के सारे। मैं दो लेके आया हूँ, अभी और लेके आएंगे हम। ठीक है, और बंदे अभी हम पकड़ेंगे। लेकिन अभी हमें जाना है वलाड की शॉप पे, और वहाँ से ना हमें जो टूल्स हैं, हमें थोड़े से टूल्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी जो वैन है उसको वापस से स्टार्ट करते हैं, और फटाफट से चलते हैं हम वापस से यहाँ से बाहर। ठीक है, उसके बाद हम जाना है वलाड की शॉप पे। तो अपनी वैन को लेके मैं आ चुका हूँ वलाड्स की शॉप पे, और यहाँ से देखते हैं कि हमें कौन कौन से टूल्स खरीदने। एक काम करते हो, अपनी जो वैन है ना इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, रोड के बीच में नहीं लगाना, नहीं तो भाई रास्ता ही जाम हो जाएगा। अंदर नहीं खड़े करते, बाहर ही खड़े करते, नहीं तो अंदर फिर बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी। अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, अभी सबसे पहले चलते हैं वलाड्स के पास में, इसकी शॉप एंट्री कहाँ है इसकी? अब एंट्री कहाँ भाई? ये भी नहीं खुल रहा, एक मिनट, आई थिंक मुझे सामने से जाना पड़ेगा, हम इसके दुकान के पीछे आ चुके हैं। वेट यार, मुझे आगे से जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से चलते हैं। ये बैठ रखा शह से, यही है ना? हाँ यही है शॉप, और ये है क्या? नहीं, ये तो कोई और है, हमें अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, शॉप के अंदर चलते हैं, ओपन है ये। अभी भाई भैया तो गन वगैरह भी मिलती है, मैं एक खरीदूंगा, एक गन खरीदेंगे हम। ठीक है, अपने पास $500 है ना, तो देखते हैं कि $500 में अपने पास क्या पाएगा। $500 में ये क्या है? ब्रांच है, ये है हैंडल, एक्स है ये। ठीक है, टैक्टिकल नाइफ, नाइफ नहीं वो क्या, ये रही पिस्टल ना, देखो ये पिस्टल है, कितने की? $250 की है ये। सब मशीन गन नहीं, ये 1300 की है। उसके बाद शॉर्ट गन, ये 700 की है। मेरे पास 500 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक पिस्टल मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक पिस्टल हम खरीद लेते हैं। उसके बाद इसकी जो थोड़ी सी एमोस है ना, मैं वो खरीदने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ी बहुत एमोस की खरीद, एक मिनट इसको यहाँ रखते हैं ना। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी कितने की? $10 की पड़ रही है ना, मैं एक और ले लेता हूँ। ठीक है भाई, अपने पास काफ़ी सारी एमोस हो चुकी है। ठीक है, और अपने पास पैसे अभी $200 बचे हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि अभी कुछ खरीदने की जरूरत है नहीं। योर लास्ट स्टॉप पुलिस बेस, दिस इज वेयर पास द काउंटर बैंड। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ से निकलना है, और अब हमें जाना है पुलिस बेस पे। ठीक है, वो अपना लास्ट स्टॉप है। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाकर फॉलो कर लो। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।